इंडियन टाइम्स डेली डॉट कॉम में आपका फिर से स्वागत है और कनाडा की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार है। कनाडा के हाई प्रोफाइल वेदर फोरकास्टर्स में से एक द वेदर नेटवर्क ने कैनेडियंस को वार्न किया है कि वह इस सर्दी में पूरे देश में जबरदस्त बर्फबारी के लिए तैयार रहे। कुछ ऐसे वक्त भी होंगे जब मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन इस साल बर्फबारी की भरमार रहेगी। नेब्रास्का रेगुलेटर्स ने ट्रांस कनाडा के कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन के मार्ग को मंजूरी दे दी है और पाइपलाइन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग को चुनकर लोगों में चिंता बढ़ा दी। ट्रांस कनाडा ने कहा कि वह स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के इस फैसले की समीक्षा कर रहे हैं, जिसने कंपनी को उनके मनचाहे मार्ग की मंजूरी नहीं दी। पार्लियामेंट के पहले बजट वॉचडॉग ने फेडरल सरकार को आगाह किया है कि वह अगले दशक में नई हाउसिंग में खर्च किए जाने वाले बिलियंस को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। इस नीति का सबसे अहम पहलू होगा उन खास जानकारियों को इकट्ठा करना, जिससे ये तय हो सके कि बेघरों को घर देने में कितनी सफलता मिल रही है। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका से काफी एक्टर्स ने यूएस पर दबाव डाला है कि वह अपनी मांगों पर पूर्ण विचार करें, जो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है और जिन पर बार्गेनिंग करना भी बेकार है। कैनेडियन और मैक्सिकन सरकार ने वर्तमान में ऑटो पॉलिसी पर चल रही वार्ता में कोई भी काउंटर प्रपोजल देने से इनकार कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर बिल मॉर्न्यू पेंशन बिल से जुड़े रहने की वजह से हाउस ऑफ कॉमन्स में दोनों पक्षों के निशाने पर हैं, क्योंकि इससे उनके पूर्व कंपनी को फायदा मिल सकता है। एथिक्स कमिश्नर मेरी डॉसन ने बिल C-27 को पेश करने में मॉर्न्यू के काम की जाँच शुरू कर दी है। एनडीपी एमपी शीला मेलकमसन इतिहास में पहली होंगी जिसने एक लेजिस्लेशन को बचाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने साथियों को एक सीक्रेट बैलेट के लिए फोर्स किया। उन्हें उम्मीद है कि उनके प्राइवेट मेंबर्स बिल से एबंडेंट वेसल्स पर एक नेशनल स्ट्रेटेजी स्थापित होगी जिस पर बहस किया जा सकेगा। ट्रंप प्रशासन को हेटी डिपोर्टेशन शुरू करने के लिए गुरुवार तक की दी गई समय सीमा से कैनेडियन सरकार सतर्क हो गई है। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर रैल्फ गुडेल ने कहा कि उनके अधिकारी अपने यूएस काउंटर पार्ट के साथ लगातार संपर्क में हैं और अग्रिम चेतावनी की उम्मीद कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया है जिससे ग्रीन हाउस गैस के एक किस्म के स्तर को कम किया जा सकेगा, जिससे प्लैनेट जल्दी गर्म होता है। एनवायरमेंट मिनिस्टर कैथरीन मैकेना ने कहा कि इसे लागू करने के बाद इस सदी के अंत तक वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकेगा। ओंटारियो सरकार उन छात्रों को उनका पूरा ट्यूशन फी वापस दे रही है जिन्हें प्रोविंस के कॉलेज में हुए 5 हफ्तों की हड़ताल की वजह से अपना सेमेस्टर छोड़कर जाना पड़ा है। छात्रों को क्लासेस शुरू होने के बाद 2 हफ्तों का वक्त दिया जाएगा ये फैसला करने के लिए कि वह लोग इस सेमेस्टर में कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। कुछ सोशल ग्रुप्स द्वारा जारी एक नई गाइडलाइंस में टॉडलर्स, प्री स्कूलर्स और बेबीज को दिन में कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए, इसके लिए एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की है। ये गाइडलाइंस एक रिसर्च पर आधारित है जिससे ये पता चला है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बहुत ही सुस्त होते हैं और उन्हें बहुत स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। इसी के साथ हमारा न्यूज बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी कैनेडियन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे।